हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड़हल प्लांट के बारे में बताऊंगी, जो कि मैंने नर्सरी से मैं लाई थी। इस प्लांट को तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, तो मैं इसका बोनसाई बनाने के लिए सोच रही थी। तो मैंने अभी इसकी कटिंग वगैरह जो है करती रहती हूँ थोड़ी, तो ज़्यादा इसको बड़ा नहीं होने देती प्लांट को मैं। तो बीच में तो ये बिल्कुल प्लांट सूख गया था, क्योंकि मेरे पास इसकी केयर नहीं की गई, मैं खुद बीमार पड़ गई थी। तो अब इसकी काफ़ी अच्छी केयर हो रही है और काफ़ी अच्छा ये प्लांट निकल रहा है। देखिए आपकी कैसी काफ़ी जो ब्रांचेस हैं निकल रही हैं इसकी, तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती मेरे को, एक दिन छोड़ के इसको मैं पानी देती हूँ। कभी आप फर्टिलाइजर आप इसको डाल सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको गर्मियों में जो है अभी इसका नारियल का छिलका जो रख देती हूँ, उसके साथ जो भी प्लांट्स में जो नमियाँ बनी रहती है, तो कोई भी फर्टिलाइजर आप तैयार करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये प्लांट काफ़ी खूबसूरती में माना भी जाता है। और इसका एक जो दूसरी वैरायटी है, एक रेड कलर की आती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके जो फूल होते हैं वो भी थोड़े अलग कलर के होते हैं, तो अलग डिज़ाइन के होते हैं। इसके अलग डिज़ाइन है इसका फूल का, तो काफ़ी खूबसूरत होता है जब इसका फूल जो खिलता है, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो अभी तो इसकी कलियाँ बंद पड़ी हैं, तो मेरे को इसके ये प्लांट की ये खा ज़्यादा है कि मैं केयर नहीं करती प्लांट की। ऐसे प्लांट लगाती हूँ जिनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े मेरे को, तो खाद पानी जो मैं देती रहती हूँ, तो बस लिक्विड कोई भी आप तैयार करके इसको डाल सकते हैं। तो आप देख लेंगे मेरे प्लांट की मिट्टी कैसे सूखी पड़ी है। अभी इसको पानी दूंगी मैं इन प्लांट्स को। तो पहले मैंने ऐसे नारियल के छिलके इनके ऊपर रखे हुए थे, तो वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि अब जुलाई का महीना है, तो अब थोड़ी जो मानसून है उनका भी टाइम आ रहा है, तो बारिश का मौसम बना होता है, तो मैंने निकाल दिया ताकि इसके रूट्स वगैरह ना गल जाएं। तो आप इसमें कोई भी इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। तो इसकी पत्ती भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, तो फूल भी काफ़ी खुश होते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है ये प्लांट। ऑक्सीजन वगैरह प्लांट छोड़ते रहते हैं, तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती प्लांट की। आप देख रहे हैं ये प्लांट आप में अपने आप ये बस ऐसे खिलता रहता है प्लांट, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं देखिए मैंने बाहर ही रखे हुए हैं प्लांट, मेरे पास कोई शेड भी नहीं है। अभी मैंने बनाया इसका, तो अभी जब इसका शेड तैयार करूँगी तो फिर उसको शेड के नीचे रखूँगी। अभी मैंने बाहर ही रखे हुए हैं, तो जब ये फूल खिल जाते हैं तो यहाँ से गिर जाता है फूल, अपने आप ही सूख जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्लांट है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। अब थोड़ा देखिए मानसून की वजह से जब जुलाई का महीना आता है, तो इसकी ये नए नए जो है ब्रांच भी ऐसे निकलनी शुरू हो जाती है। देखिए आप, तो जब ये अभी काफ़ी फैल जाएगा ये प्लांट, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद।